दुरुज शरीफ पढ़े। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले बच्चों को जो इस लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा नजर आ रहा है, तो इसके शुरू के हिस्से में ना मैंने टेस्ट वन की डिस्कशन की है, तो वो आपको अलग से क्लिप ऊपर जो आपका टेस्ट का सेक्शन बनाया है ना, मैंने उसी में टेस्ट उसका सोल्यूशन और नीचे क्लिप उसका डिस्कशन तक जुड़ा होगा। तो ये वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, इसलिए इस क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी है। सवाल लिखे, बल्कि उससे पहले एक रीकैप दे देता हूँ, क्योंकि जाते जाते बात हुई थी जो मैंने कैलकुलेशन बताई थी, तो एक तो वैसे ही एंड पे हुई बात कि असरात कम होने शुरू हो जाते हैं। उस सवाल का रीकैप दोबारा सुन लें, जो बिल्कुल एंड पे सवाल किया था ना, उस सवाल पे आइए। जब एसेट लीज पे दिया तो लेसर अपनी बुक्स में एसेट तो रिकॉर्ड नहीं करेगा, यानी उस गाड़ी को उस मशीन को तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्यों रिकॉर्ड नहीं करेगा? क्योंकि उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का वो मालिक नहीं है। ये रिस्क एंड रिवॉर्ड्स फाइनेंस लीज की डेफिनेशन ही यही थी कि फाइनेंस लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का मालिक लेसी होता है, तो इसलिए लेसर इसको अपनी बुक्स में गाड़ी डेबिट नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, वो अपने बुक्स में कहेगा मैंने लेसी से पैसे लेने, तो उसने एक लीज रिसीवेबल बनाया था। और कितने से की थी ये एंट्री? 160। ये करनी है एनआईएल से। अच्छा, मैंने इस सेक्शन में बात की थी कि दो तरीके हैं, है ना, वो ग्रॉस वाले भी। हाँ, तो दो तरीके हैं, दोनों ठीक है। मैंने एक बताया आपको कि लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड हो जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज से। कल को इतने ही पैसे मिलेंगे? नहीं, ज्यादा मिलेंगे। और वो अभी रफ सी कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। 57,180 को इंटू 4 करिए, डबल टू 8। तो कल को कैश इतना मिल रहा है, 4 साल थे ना, तो 57,180 की 4 इंस्टॉलमेंट मिलनी है। यानी कल को लेसी से कैश इतना मिलना है, जबकि रिसीवेबल हम इतना बना रहे हैं। तो इतना क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अभी हम नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज से रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट। तो होगा क्या कि जैसे जैसे पीरियड गुजरता जाएगा, एक साल गुजरेगा, उसका रेंट कमाना लेसर का हक बन जाएगा। और किसकी अमाउंट के ऊपर? इस पे, क्योंकि इसको रिकॉर्ड किए हुए एक साल गुजर गया। ये कब रिकॉर्ड की थी? 1 जुलाई 2019 को। पैसे कब मिल रहे हैं? 30 जून 2020। तो साल गुजर गया ना, तो इसको साल गुजर गया था, इसलिए इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ा लेसर ने वो भी अपना हक बना लिया। तो इसलिए मैंने दूसरी एंट्री कराई थी, रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और जब इसको पैसे मिल गए तो रिसीवेबल डेबिट जो किया हुआ था वो क्रेडिट हो गया और कैश डेबिट हो गया। अब हर साल ऐसा ही होता रहेगा कि चूंकि साल साल गुजर रहा है, तो अब इंटरेस्ट उसका हक बनता जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट को रिसीवेबल बनाता जा रहा है, और जब पैसे मिल रहे हैं तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट होता जा रहा है। ये थी डबल एंट्रीज। इन डबल एंट्री से रिलेटेड किसी ने घर जाके पढ़ने की कोशिश की हो, किसी ने एमी दिल कर गया हो कि चलो पढ़ के देखते हैं, और इन एंट्रीज में कुछ कॉन्सेप्चुअली पूछना हो तो पूछें, कोई एतराज इख्तलाफ परेशानी ऐसी होता ना, कोई फारे बैठे चलो पढ़ लेते हैं, तो इस तरह किसी ने अगर पढ़ा हो, कोई गुफ्तारी में भी टाइम हो और कुछ हो ना करने को। हाँ जी, लीज अभी नहीं, फाइनेंस लीज का तो मैंने नहीं कराया, अभी क्लास के बाद पूछ रहे हैं अभी, वो बिल्कुल माहौल फाइनेंस लीज का बन रहा, बना रहा हूँ ना मैं, तो फिर ऑपरेटिंग लीज फिर खराबी पैदा करेगा, शर का वाइस बनेगा। डबल एंट्रीज, पहले दिन रिसीवेबल बनाएगा नेट इन्वेस्टमेंट लीज पे, उसके बाद हर पीरियड एंड पे दो काम हुआ करेंगे। उस पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वो अपना हक बनाता जाएगा, रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और पैसे मिलते जाएंगे तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ये अप थ्रू आउट द लीज टाइम ये होता रहा। अच्छा, कैलकुलेशन वाली बात भी दोबारा सुन लें। कैलकुलेशन का तरीका आपको बताया था कि वो जो कैलकुलेशन है ना, वो टेक्निकली इसका टी अकाउंट है, वो इस लीज रिसीवेबल की पोजीशन है कि हमने जो लीज रिसीवेबल का स्केड्यूल बनाया हुआ है, इसको मैंने कहा था लीज स्केड्यूल भी कहते हैं और लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी कहते हैं। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट लिखा था सबसे पहला, वो क्या था? ओपनिंग। क्यों? क्योंकि इसी से तो हमने इसको स्टार्ट किया था। तो इस पहली अमाउंट की जो स्टार्टिंग हुई थी वो फर्स्ट 160,000 से हुई थी। ये कब रिसीवेबल बनाया था? 1 जुलाई। और पैसे चूंकि 30 जून को मिल रहे थे, तो इसको रिसीवेबल बने हुए साल गुजर गया था, इसलिए इस पे एक साल का इंटरेस्ट लगा था, जो कि आया था 25,600। और ये भी रिसीवेबल डेबिट किया था, इसमें भी रिसीवेबल डेबिट किया था, और जब पैसे मिल गए थे तो रिसीवेबल क्रेडिट किया था,
इसलिए क्लोजिंग बैलेंस टी अकाउंट से निकालना चाहे तो भी यही शक्ल बनेगी। तो मैंने कहा था कि दिस प्लस दिस माइनस दिस करते हैं तो क्लोजिंग आ जाएगा 1 2। पैसे कब मिल गए पहली दफा? 30 जून 20। अगले पैसे कब मिले जाके? तो अगले पैसे मिलने में फिर एक साल का गैप आ गया ना, तो उस एक साल तक कितने पैसे आउटस्टैंडिंग रहे? 1 to 8। इसलिए इस पे इंटरेस्ट लगाया था हमने 5। तो ये इस टेबल का तरीका है कि जो पहली दफा रिसीवेबल बनाया गया था उससे शुरू किया, उसके बाद इस ओपनिंग बैलेंस वाले कॉलम पे इंटरेस्ट लगाते गए। किस रेट पे? इंप्लिसिट रेट पे, वही जिससे डिस्काउंट किया था, और पेमेंट लिखते गए। और एंड के ऊपर ये टेबल जीरो क्यों हो गया? क्योंकि जिन अमाउंट्स की पीवी से टेबल शुरू किया था, अब उसी प्रेजेंट वैल्यू, अब उसी को आगे कंपाउंड करते जा रहे हैं और पैसे रिसीव करते जा रहे हैं, तो टेबल जीरो ही होगा। ये इस टेबल की कैलकुलेशन, इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या किसमें प्लस करना है, क्या माइनस करना है, इससे रिलेटेड कोई भी जरा सी कंफ्यूजन है तो पूछे। है भी वैसे तो वो आगे इतना ज्यादा हमने बार बार टेबल बनाने के पक्का जाएगा जी। 160 का ये 160,000 प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी हमने। इसमें एनआईएल क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल। तो इस सवाल में जीआईएल में है क्या? सिर्फ रेंटल्स। वैसे रेंटल्स भी होंगी, डाउन पेमेंट भी होगी, बीपीओ भी होगा, और अगर कोई पेनल्टी है वो भी होगी, जीआरबी भी होगा। इस सवाल में सिर्फ रेंटल्स थे, तो रेंटल्स यानी एनविटी, तो एनविटी वाला फार्मूला लगाया था। ये ऐसे निकला था जी। हाँ जिन सीढ़ियों से नीचे आएंगे, अगर ऊपर जाना हो तो उसी उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे ना, ठीक है ना? इस पर तो नहीं कोई अगर वन वे का मसला नहीं है तो जिन सीढ़ियों से नीचे आए उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चले जाएंगे। तो हमने इम्प्लिसिट रेट से इनको नीचे खींचा, पीवी निकाली। ये हम 16% से नीचे आए हैं, अब 16% से ही वापस ऊपर जाएंगे। तो ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रही है ये वो वापस ऊपर जाना है। डिस्काउंट किया था, अब आगे बढ़ेंगे तो कंपाउंड होगा। ये मैं कंपाउंड ही कर रहा हूं। कंपाउंडिंग क्या होती है? उसमें इंटरेस्ट शामिल होना शुरू हो जाता है। तो दूसरी एंट्री क्या की थी? ये कंपाउंडिंग होनी शुरू हो गई। सीढ़ियों से नीचे आना डिस्काउंटिंग, उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाना कंपाउंडिंग। तो इसलिए जिनसे नीचे आए थे उन्हीं से ऊपर जा रहे हैं, तो वो ऊपर जाने पर इंटरेस्ट पड़ता जा रहा है, इसलिए 16% ही यूज होगा, तभी तो टेबल एंड पे जीरो होगा जाके। चले बाकी चीजें जो है ना वो प्रैक्टिस के साथ साथ बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। सवाल लिखिए। और मैंने सवाल की रिक्वायरमेंट एंट्रीज कही थी ना, कर दी। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक्स्ट्रा भी कहे थे, वो भी सिखाए नहीं है, तो उसके लिए पेज आधा पेज जितना भी लगेगा। 4 साल है देखने, 4-5 महीने होंगी, 4 साल है, कितना कुछ लग जाएगा, आधा पेज लग जाएगा। अच्छा बीच में ना पेजेस में इसलिए छुड़वाता जा रहा हूं क्योंकि अगर मैं सिर्फ जितना बताता उतना ही लिखवाता और बाकी चीजें अगले पेजेस पे होती तो बहुत स्कैटर हो जाता, तो इसलिए मैंने ना जगह छुड़वा ली। अब जैसे इसी सवाल की मैंने आपको इन्हीं वैल्यू से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की प्रैक्टिस करवाऊंगा, अगर वो किसी अगले पेजेस पे जाके कराता तो फिर आप ढूंढते रहते कि वो किसकी प्रैक्टिस थी, तो मैंने इसलिए यहीं जगह छुड़वा ली। तो ये सब जगह भर जाएंगी एंड तक, खाली नहीं रहेगा कुछ, ये भर जाएगा सारा कुछ। लेकिन इस तरह कर रहा हूं ताकि स्ट्रक्चर नोट्स बने आपके। अगला सवाल लिखे, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, डबल एंट्री आज करा दूंगा और जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है वो फिर बाद में भरेंगे इसको। लीज टर्म 4 साल, कमेंसमेंट 1 जनवरी 2019, इम्प्लिसिट रेट 14%, लीज रेंटल 74060, 74060, 74060 पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर, पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर।
अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। और मुझसे रिक्वायर्ड है सेम सारी एंट्रीज चारों साल की और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट चारों साल के। फर्स्ट जनवरी मैंने अकाउंटिंग ईयर बोल दिया ना, फर्स्ट जनवरी 19 जी लीज रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट किस अमाउंट से एनआईएल करिए कैलकुलेट, एनआईएल बताएंगे कैलकुलेट करके। मैंने कहा था पेबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर तो वो एडवांस वाला तरीका लगेगा एक 74 एज इट इज और बाकी के लिए पावर 3। हाँ जी बिल्कुल वर्किंग 1 NIL 174060 एज इट इज और 174060 के ऊपर 1 माइनस 1.14 पावर माइनस 3 246000। जी अगली एंट्री कब होगी अगली एंट्री कब होगी? इसी दिन हो जाएगी, फर्स्ट जनवरी 19 पे ही हो जाएगी क्योंकि लीज रेंटल के बारे में तय हुआ है कि पेबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर यानी एडवांस में, तो इसी दिन हो जाएगी एंट्री फर्स्ट जनवरी 19 कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट 74060। एडवांस का ही मतलब बताया था ना कि जिस पीरियड से रिलेटेड है उस पीरियड के शुरू में, तो अभी लीज लेते हैं साथ ही एडवांस पैसे दे दिए रेसी ने तो उसी दिन एंट्री होगी। अब अगला काम पीरियड एंड पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 31 दिसंबर 19 लीज रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इंटरेस्ट इनकम का वर्ड भी यूज होता है और फाइनेंस इनकम का वर्ड भी यूज होता है। अच्छा ये तो मैं निकालने लगा हूं अभी टेबल से, लेकिन वैसे ही आपसे दवानी दवानी ही पूछता हूं, अब क्या ये इंटरेस्ट 14% इस पे लगेगा? क्यों नहीं, क्योंकि इस पे तो तब लगता अगर ये पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा होता। क्या हुआ फिर, इसमें से इतने तो फॉरन मिल गए, तो इसलिए अब जब टेबल भरेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हो जाएगा यही 246। और अब पेमेंट डेट्स में क्या आना है, फर्स्ट जनवरी 19। अच्छा आप देखिए पेमेंट फर्स्ट जनवरी यानी शुरू करते ही हो गई, जैसे ही लीज कराई वैसे ही पेमेंट हो गई, तो अभी इस 246 को वक्त ही नहीं गुजरा था, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? नहीं होगा। बस ये फर्क है कि पेमेंट एट एंड वाले में और पेमेंट इन एडवांस वाले में, कि एडवांस वाले में पहली लाइन में इंटरेस्ट नहीं आएगा। 74060 This plus this minus this 17194 बाकी सेम ऐसे चलेगा क्योंकि अगली पेमेंट होने जा रही है फर्स्ट जनवरी 20 को। ये 171 कब 171 बन गया था, फर्स्ट जनवरी 19, तो अब साल गुजर गया ना, इस पे इंटरेस्ट पड़ेगा 171940 14% 240 74060 this plus this minus this 121952 अगले साल इस पे इंटरेस्ट पड़ेगा 121952 इस पे 14%
17073 74060. This plus this minus this 64965. फिर चौथी इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी 22 को 64965 पे 14% पड़ेगा 9095. अच्छा, इन दोनों सवालों में तो खैर मैंने बिल्कुल राउंडिंग ऑफ को बिल्कुल क्लोज कर दिया था. फर्स्ट करें ये 9094 आ जाता, 909 अभी तो 9095 आ रहा है ना, 9094 आ जाता. यहां पर 4 लिखे हैं तो ये 0 होगा, नहीं होगा तो इसको मैं खुद ही 95 कर देता. मैंने कहा कि अगर ये कैलकुलेट किया होता और 9094 9388 85 10 20 25 कोई मसला नहीं है, तो अगर मैं वही 90 जितना आया होता वो लिख देता तो ये तो 0 ही नहीं हो रहा. तो फिर क्या करते, फिर इसी को बैलेंस करके जो भी 20-25 का फर्क है इसी पे चेंज करके ताकि ये 0 हो जाए, क्योंकि यार 10-20 बचाना बुरा लगेगा. हैं, नहीं नहीं, इसके लिए क्या नोट लिखना है यार, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है. आप यहां वो 25 रुपए को लिख के नोट लिख रहे हैं तो ना लिखे उस 25 को, इसी में एडजस्ट कर दें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है. आप जो भी 10-20 का डिफरेंस है, जैसे आपने कैलकुलेट किया और उसका आंसर बनता था 9085, अब आप यहां 9085 लिखेंगे तो 0 नहीं होगा, तो आप इसको 9095 कर दें. हां, तो आखिरी लाइन में आके लिखने से पहले आप चेक कर लें, टेबल पूरा करें, फिर एंट्री की रीजन लॉजिक समझाता हूं. हाँ जी, टेबल नोटेड. फर्स्ट जनवरी 19 को 246 रिसीवेबल बना और इसमें से फौरन इतना कैश रिसीव हो गया. फिर उसके बाद अगला कैश 1 जनवरी 20 को मिला. इस कैश में इंटरेस्ट भी शामिल है ना. देखें, हमने रिसीवेबल 246 बनाया है, जबकि आप इन चारों को ऐड करें या चलो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 29 रिसीवेबल 246 बनाया, जबकि टोटल कैश कितना मिलेगा, तो क्यों ज्यादा मिल रहा है, इंटरेस्ट है. पहले ही दिन हमने इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया था, नहीं. फिर क्या करेंगे हम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उस गुजरे हुए टाइम का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे या आने वाले टाइम का, गुजरे हुए टाइम का. अब ये जो हमने इस लाइन में इधर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, ये कितने पीरियड का है, एक साल. कौन सा एक साल, जो गुजर गया है. अब बेशक इस टेबल के अंदर ये फिगर हमें इस डेट के सामने लिखी नजर आ रही है, लेकिन ये 24,000 किस 12 महीने से रिलेट कर रहा है, 2019. तो हमें इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस 31 दिसंबर की डेट में, इंटरेस्ट इनकम 31 दिसंबर की डेट में डालना पड़ेगा. ऊपर से क्या, हम इस टेबुलर वर्किंग के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. इस लाइन में क्यों इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अभी वक्त ही नहीं गुजरा था, वक्त गुजरता है तो इंटरेस्ट पड़ता है. फिर जब इस लाइन में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो यहां पर डेट बेशक 1 जनवरी 20 लिखी हुई है, लेकिन ये इंटरेस्ट फॉर द 12 महीने कौन से, गुजरे हुए. इधर ये 2019 के साल से रिलेट कर रहा है. इनकम और एक्सपेंस फॉर द ईयर होते हैं और हर साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, तो इस इंटरेस्ट इनकम को, ये वाली
24,000 किस साल की इनकम में आना चाहिए? तो 2019 की इनकम स्टेटमेंट में ऐसे तो नहीं आएगी ना कि हम कहेंगे जाओ जाओ शाम चले जाओ 19 में चले जाओ, मतलब कुत्ता थोड़ी छोड़ रहे जाओ वहां चले जाओ। कैसे 19 में पहुंच जाएगी भाई? एंट्री करेंगे तो 19 में पहुंचेगी ना, तो क्या डेट डाले एंट्री की? 19। तो वो हमें 19 की डेट डालनी पड़ेगी। बेशक कैलकुलेशन के अंदर यहां 1 जनवरी 20 लिखा है, लेकिन इसको इनकम हमें 31 दिसंबर 19 को कहना पड़ेगा, इसलिए 31 दिसंबर 19 में एंट्री होगी। कितनी अमाउंट? 24। अच्छा, अब रिसीव कैश कब मिल रहा है? कैश तो 1 जनवरी को मिल रहा है, तो उसकी तो डेट 1 जनवरी ही देनी। कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट, और इसी तरह से अगले तीनों ईयर भी ऐसे ही काम चलेगा। वो जब मैं अभी बैलेंस शीट के अफेयर्स बताऊंगा ना, फिर जवाब दूंगा इसका। अब 20 में क्या होगा? 31 दिसंबर 20 को इंटरेस्ट इनकम बनाएंगे, और अगले दिन कैश मिल जाएगा। कौन सी बात? बिल्कुल एक जैसी, मैंने लिखने में भी एक जैसी की कोशिश की है। नहीं, इंटरेस्ट वाली बात नहीं समझी मुझे। हाँ, ये सारी प्रिंसिपल है। अच्छा, ये कल वाले टेबल में भी और आज वाले टेबल में भी ये इंटरेस्ट कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम होती जा रही है। और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे हो रहा है? आउटस्टैंडिंग के ऊपर। तो आप वो जो आपको अंग्रेजी लिखाई थी ना, उस अंग्रेजी पे गौर करिए। इंटरेस्ट इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड ओवर लीज टर्म रिफ्लेक्टिंग अ कांस्टेंट पीरियोडिक रेट ऑफ रिटर्न ऑन नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। हम हर साल 16% 16% 16% या इस सवाल में 14% 14% 14% हमारे नेट इन्वेस्टमेंट लीज के ऊपर हमें रिटर्न मिल रहा है। तो उस अंग्रेजी का मतलब ये टेबल था। वो अंग्रेजी सिर्फ इसलिए याद रख लें कि हो सकता है आपको एक एमसीक्यू पूछा जाए कि फाइनेंस लीज में इंटरेस्ट इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होती है। ऑप्शन ए, सारी की सारी पहले साल। ऑप्शन बी, सारी की सारी आखिरी साल। ऑप्शन सी, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। ऑप्शन डी, वो अंग्रेजी। तो आंसर क्या होगा? वो अंग्रेजी। तो चूंकि यहां पर पैसे पहले ही दिन मिल गए ना, तो इसमें अभी फिलहाल इंटरेस्ट नहीं था, ये सब प्रिंसिपल ही था, तभी ये कम हो गया पूरा का पूरा। अगले ईयर्स में चूंकि अगली पेमेंट में चूंकि टाइम गुजर रहा होता है, तो उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन भी आ रहा होता है। क्या इंक्रीज हो गया? हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। देखिए, इस 74,000 में इंटरेस्ट भी है और ओरिजिनल अमाउंट भी वापस हो रही है। तो चूंकि हर अगले साल में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, इसी 74,000 में पहले इतना इंटरेस्ट होता था तो बाकी प्रिंसिपल पोर्शन था। अगले साल इस 74,000 में इंटरेस्ट इतना रह गया तो बाकी प्रिंसिपल पोर्शन है। अगले साल में 74,000 में इतना इंटरेस्ट रह गया तो बाकी प्रिंसिपल पोर्शन है। प्रिंसिपल पोर्शन का मतलब है कि जो ओरिजिनली रिसीवेबल बनाया था वो प्रिंसिपल अमाउंट, वो हमें वापस होता जा रहा है। तो हमें ज्यादा ज्यादा रिकवर होने लग गया, तभी तो जाके फिर जीरो हो गया। अच्छा, आपको इन सारी कैलकुलेशन में, एंट्रीज में जो जो चीजें भी कॉन्सेप्चुअली पूछनी है ना, जरूर पूछें। मैं समझा रहा हूं, कम अज कम दर्जा यह है कि कैलकुलेशन ऐसे आनी चाहिए कि इस अमाउंट से स्टार्ट करें, ये कॉलम कैसे बनेगा, इम्प्लिसिट रेट ओपनिंग बैलेंस पे लगाएंगे। लेकिन अगर एडवांस वाला सवाल है तो पहली लाइन में नहीं लगाएंगे, ये लीज पेमेंट्स होंगी और क्लोजिंग दिस प्लस दिस माइनस दिस क्लोजिंग बनेगा, और जो क्लोजिंग है वो अगला ओपनिंग होगा। करने का तरीका आपको आना चाहिए। कोशिश तो मैं कर रहा हूं सारी चीजें समझा के बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चलूं, लेकिन कम से कम दर्जा यह है कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए।
31 दिसंबर 21 लीज रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 9095। और 2021 और 1 जनवरी 22 कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट 74060 और तो 2022 का इंटरेस्ट किधर गया? 4 साल थे लेकिन पैसे चौथे साल के शुरू में ही पूरे हो गए, तो इसलिए चौथे साल का इंटरेस्ट ही नहीं बना, इसलिए सिर्फ 3 साल का इंटरेस्ट है। चलें इन 2 साल में एक मैंने एडवांस और जो पहले किया था ना उसको एरियर्स भी कहते हैं कि लीज रेंटल एरियर्स में पेबल है। ये 2 वैरायटियां आ गई, अब अगली वैरायटियां ला रहा हूं आपके सामने, साल में 2-2 पेमेंट्स कर लेते हैं जी। ये हो गया ना, यार ये बोर्ड सारा बिल्कुल स्लो मोशन में सारा दिखा दे। आप पहले भी हो मेरी क्लास में कैमरा, आप पहले भी रोज है मेरी क्लास में, मतलब आज वैसे आए हो कल वही आएगा। चलो आज के लिए भी बेटा मेरे साथ फॉरेन कैमरा मूव नहीं करना, बोर्ड पे ही रखना, जब मैं कुछ बोलूं तो मेरे पे आना। ठीक है नोटेड। चलो अगला सवाल लिखें और इसके लिए भी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की जगह छोड़ लें। अब अगले सवाल में वैरायटी दे आते हैं कि पेमेंट कर लेते हैं 6-6 महीने की। चलिए सवाल लिखें, लीज टर्म 2.5 साल 2.5 years। ऐसी वर्किंग की लाइन बचाने के लिए कर रहा हूं, नहीं पसंद तो 3 साल कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है 2.5, मैंने कहा एक लाइन बच जाएगी आपकी। इम्प्लिसिट रेट 16% 16% कमेंसमेंट 1 जनवरी 19 बल्कि 20 कर लें, ये ना हो कि आपको इतनी आदत पड़ जाए कि एग्जाम में भी आप 19 ही कर दें। 1 जनवरी 20 अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। लीज रेंटल 400733 40073 400733 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी 6 महीने पेएबल एट एंड ऑफ एवरी 6 महीने एवरी 6 मंथ्स रिक्वायरमेंट वही है 3 साल की, 3 साल साल तो 3 ही होंगे ना, 3 साल की एंट्रीज भी। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो 3 साल ही कर लाएगा ना, 2.5 साल तो नहीं होंगे ना, 3 साल तो 3 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की एक्सेट्स भी और एंट्रीज भी।
करें भैया नहीं करें कैलकुलेट करें बल्कि वही पेमेंट एट एंड ऑफ एवरी 6 महीने है। अब आप क्या करेंगे कि पेमेंट क्या है 4 double 0 7 3 1 minus 1.08 power minus 5 क्योंकि 2.5 साल है ना तो हर 6 महीने बाद तो 5 इंस्टॉलमेंट बन गए 0.08 ये चलो मैंने कर ही दिया तो ये वर्किंग बन गया 160,000 1st January 2020 160,000 बस वो जो काम पहले सवाल में साल बात कर रहे थे अब 6 महीने बाद शुरू हो जाएगा 30 June 2020 लीज रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और इसी दिन कैश डेबिट और लीज रिसीवेबल क्रेडिट इनकी फिगर्स के लिए टेबल पे आना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट 160 पहली पेमेंट हो रही है 30 जून 20 को 31 दिसंबर 20 30 जून 21 31 दिसंबर 21 और 30 जून 22 ये 2.5 हो गए 5 इंस्टॉलमेंट हो गए अच्छा 6-6 महीने का बना रहे हम टेबल तो 1.60 के ऊपर 16 नहीं लगाएंगे 8% लगाएंगे 12 800 4 double 0 7 3 दिस प्लस दिस माइनस दिस 1 3 2 7 2 7 1 3 2 7 2 7 अब इसमें 8% लगेगा 1 6 1 0 6 1 8 1 0 3 2 7 2 1 0 3 2 7 2 इस पे 8% 8 2 6 2 ये टेबल की कैलकुलेशन बेटा सबसे हो रही है सारे को मुश्किल तो नहीं है यहां तक बस लीजेज में आप रिवाइज साथ साथ कर लेंगे मेहरबानी आपकी फिर ये सवाल कंट्रोल में रहेगा क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हैं इसमें 7 1 4 6 1 7 1 अच्छा आज के टेस्ट के लिए मैंने ऑपरेटिंग लीज कहा था 5 7 1 7 1 0 5
30 June 20 पे इंटरेस्ट रिसीवेबल 12,800 इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं सर रिसीवेबल और कैश मिल जाएगा December 31 पे लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट इनकम 10618 इंटरेस्ट और 6 महीने और कैश की एंट्री अच्छा अगर तो आपको ये एंट्रीज की बात समझ आ गई है कि आप हर 6-6 महीने बाद इंटरेस्ट बन रहा है कैश मिल रहा है इंटरेस्ट बन रहा है कैश मिल रहा है सुस्ती के मारे नहीं अगर वाकई समझ आ गए तो 1 साल काफी है अगर नहीं तो फिर आप अगले 3-4 लेंडर्स की एंट्रीज भी कर लेना खुद ही एंट्रीज यही है हर 6-6 महीने बाद ये दो काम तो अगर तो आपको ये जहां तक आसान लग रही है बात तो ठीक है बहुत बेहतर से 1 साल की एंट्री कर ले काफी अगर नहीं तो आप अगले 1.5 साल की भी कर लें ये बोर्ड सारा बिल्कुल स्लो स्लो सारा दिखा दे यार इसको नोट कर लें फिर एक सवाल होमवर्क लिख लें अब और वैरायटी ऐड कर दो वैरायटियां बहुत वैरायटियां अभी बोर्ड की सैर हो गई चले सवाल लिखिए अच्छा अब इन चारों सवालों के ना 3 ये हो गए और चौथा होमवर्क इन चारों सवालों को सामने रख के फिर मैं आपको कल सिखाता हूँ SOFP और SOCI के एक्सट्रैक्ट्स
सेम डेट पे है, कोई मसला नहीं, एंटी ओपन की वजह कोई मसला नहीं। चले लिखे सवाल, ये तीसरे सवाल के लिए भी एसओसीआई और एसएफपी के चेक्स की जगह छोड़ लीजिए, कल इन चारों के ना इकट्ठे सिखाऊंगा। लीज टर्म 3 साल, लीज टर्म 3 इयर्स। वैसे मुझे लग रहा है लीजेस पे मैंने आप पे पूरा रजिस्टर लगवा देना है, मुझे लग रहा है बहुत सवाल करने हैं। कंसोलिडेशन पे भी और आईएस 12 पे भी है। रिजल्ट कब है? नहीं बीच में मेरे ख्याल में आपको 5 छुट्टियां बीत गया, नहीं होगा है? क्या ईद बनेगी 3 को और रिजल्ट उसके बाद ही होगा? हाँ नहीं, फिर इंशाल्लाह उम्मीद है, कोशिश करूंगा कि ईद से पहले। मेरी कोशिश है कि लीजिए सब लोग सीख के जाएं। लीज टर्म 3 इयर्स, कमेंसमेंट 1 जुलाई 19। 3 साल लीज टर्म है, फर्स्ट कमेंसमेंट 1 जुलाई 19 है, अकाउंटिंग ईयर जून है। इम्प्लिसिट रेट 18% है, 18% लीज रेंटल 44993, 44993, 44993, payable at start of every 6 months. यानी यहां पर क्या डेट्स आनी है? 1 जुलाई 19, 1 जनवरी 20, 1 जुलाई 20, 1 जनवरी 21, 1 जुलाई 21 और आगे वो 1 जनवरी 22, 1 जनवरी 1 जुलाई, 1 जनवरी 1 जुलाई स्टार्ट है ना पीरियड के स्टार्ट पे, तो 1 जनवरी 1 जुलाई। और एडवांस का टेबल बनाते हुए यहां तो रिक्वायरमेंट इसकी, अगर आपको ये 1 साल काफी लगा है तो बस ठीक है, 1 साल की एंट्रीज रिक्वायर्ड है और 3 साल के एसओएफपी और एसओसीआई, वो तो मैं ही करूंगा। तो आपसे रिक्वायर्ड है, आपने ये टेबल पूरा करना है। हाँ जी, अच्छा आप लोगों को जो टेस्ट पिछले वीक के थे वो आप टीए रूम से लेते जाइएगा। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, आप लोगों ने एंट्रीज करनी है, जितने साल की मर्जी कर लें, 1 साल समझ आती है तो काफी है, और ये टेबल पूरा बनाना है। अच्छा, सारे टेबल का सत्यानाश हो जाना है, इसलिए मुझे बस एनआईएल टैली करा दें। आप ये ना हो कि आप टेबल बनाएं और एनआईएल गलत हो, तो एनआईएल तो कर देना अभी कैलकुलेट। $220,000, 2,20,000, 3 साल हैं, 6-6 महीने हैं, तो 1 44 एज इट इज और बाकी के लिए पावर 5 और इंटरेस्ट रेट 9%, 2,20,000 बनती है। ठीक है, टेबल पूरा करिएगा और 1 साल की एंट्रीज कर लीजिएगा, जिसका ज्यादा दिल हो ज्यादा साल की कर लीजिएगा। पिछली क्लास में मैंने कोई हदीस सुनाई थी, कौन सी है? अच्छा, अगर टीचर कहे कि जिसने लीजेस छोड़ दिया ना पेपर नहीं पास होगा उसका, तो ये कहने का मकसद लीजेस की इंपॉर्टेंस है,
यानी हो सकता है कि पास वाकई पास हो जाए, बाकी में से सवाल ज्यादा अच्छे अटेम्प्ट हो जाए, लेकिन जो इसकी इंपॉर्टेंस बताने का एक जरिया है कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि इसकी वजह से अगर आप फंस गए तो गए, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। अच्छा ये ऐसा नहीं कि मैंने एमी शुगर ही लगाया, नहीं, इंपॉर्टेंस है और वाकई इतनी इंपॉर्टेंस है कि इसकी वजह से बाकियों में भी अगर कहीं कच्चे रह गए तो इस पे सवाल इतना इंपॉर्टेंट आया होगा, 18-20 नंबर का सवाल आया होगा कि पास नहीं होगा, तो इसकी इंपॉर्टेंस में एम्फसाइज करना मकसद है। ये बात हल्की नहीं होगी टीचर की, यार एमी कह रहे पास हो ही जाना है, एमी कह रहे, नहीं बात हल्की नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा एक हदीस सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले ना अपने घर के हालात पे गिर्द अपने, क्योंकि अगर आप लोग उन घरों से हैं